दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट वीडियो फ्रॉम माई प्रीवियस वंस, क्योंकि इस वीडियो में हम नॉर्मली किसी गेम के उस पर बात नहीं करेंगे, मतलब कि हमारा गेम अच्छा है वो, हम इसमें लेजेंडरी कार्ड्स को रैंक करेंगे नॉर्मली। और ये रैंकिंग मेरे हिसाब से है, मतलब अगर तुम्हारा कोई कार्ड फेवरेट अगर मैंने नीचे रख दिया तो मेरे को माफ़ कर देना अगर मैंने थोड़ा नीचे रख दिया हो तो, बट हाँ ये मेरा ओपिनियन है। अगर तुम्हारा ओपिनियन तो अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करना कि मतलब मुझे कैसे रैंकिंग करनी चाहिए थी इन कार्ड्स की। और इस वीडियो के बाद मैं गन्स की रैंकिंग करूँगा, बट इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है बिकॉज़ इनका बैकग्राउंड रिमूव करना का लेजेंडरी कार्ड्स का बहुत हार्ड था सच में, और क्वालिटी भी मेंटेन करनी थी। सो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, भले सब्सक्राइब ना करो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बैकग्राउंड नॉइज़ सच में इस वीडियो में मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, सो आ सकती है इसको अवॉइड करना, थोड़ी मेरी आवाज़ ऊपर नीचे भी हो सकती है। अब बस तुम्हें ध्यान रखना है कि मतलब मैं कौन कौन सा कार्ड रैंक करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये कार्ड देखो, इस कार्ड की स्किल मेरे को इतनी ठीक लगती नहीं है ना, ये ज़्यादा यूज़ होता है तो, बट हाँ देखने में ठीक लगता है। इसका कैरेक्टर जो है उसके हेयर ज़्यादा प्यारे हैं, बट इसे फिर भी हम यूजलेस में रखेंगे, है तो बट इसको यूज़ करता नहीं है कोई भी ज़्यादा। एंड ये कार्ड अगर तुम स्क्वाड में खेलते हो तो काफ़ी अच्छा है, अगर तुम नॉर्मली खेल रहे हो विदाउट स्क्वाड तो इसकी सेकेंड स्किल जो है वो यूज़लेस हो जाती है। सो इसे हम लगते हैं ओके ओके में, ये कार्ड काफ़ी ठीक है, बट इसे भी हम ओके में इसलिए रखेंगे क्योंकि इसका जो वो होता है ना एरो वो ज़्यादा डैमेज देता नहीं है, हाँ लेकिन लोकेशन अच्छी बताता है, तो इसको हम रखेंगे ओके ओके पे इसे भी। अब आ रही है इस कार्ड की, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्यों, बस ये कैंप मतलब भागने के लिए थोड़ा ठीक है कार्ड ये वाला, सो इसे हम रखेंगे यूज़लेस में। इस कार्ड को यूज़लेस में इसलिए रखा है मैंने क्योंकि ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं है इस कार्ड को, स्टार्टिंग से ही मैंने देखा है, मैंने भी शायद एक दो बार यूज़ करा है, वो भी बस हेडर्स नाम है इसका, इसके हेयर अच्छे लगे। जियोस देखो ये कार्ड अरीना पार्टी में एक समय पे मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता था, मेरा तो इमोशन था इस ये कार्ड, बट अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि इसकी स्किल मेरे को अब समझ नहीं आती है, समझ में आ गया कि ज़्यादा ही बेकार बंदे यूज़ करते हैं, जो नए बंदे हैं उनके लिए अच्छा कार्ड है काफ़ी, क्योंकि जो इसकी सेकेंड स्किल है वो काफ़ी यूज़फुल होती है नए बंदों के लिए, एमिंग भी नहीं होगी ना जिसकी ठीक, उस वो भी मतलब एम कर सकता है ठीक ठाक। सो इसे हम रखेंगे ओके ओके पे। अब बारी आती है इसकी, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड, अगर तुम्हें मतलब अच्छे से मतलब रैंक पुशिंग करनी है और अगर तुमने इस कार्ड की सेकेंड स्किल को परफेक्टली मास्टर कर लिया, अब तुम अगर तेव एनर्जी की वीडियो देखते हो ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने तरीके से यूज़ कर सकते हो तुम इस कार्ड को, बट मेरे बस की नहीं है इस कार्ड को यूज़ करना, थोड़ा मतलब एम हिलता है मेरा इस कार्ड की वजह से, मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ करता नहीं, बट इसकी स्किल दोनों सही हैं एकदम यूज़फुल है, तो इसे रखें हम गुड पे। ये हमारा पहला कार्ड जो गुड पे आया है, देन ये कार्ड बिल्कुल वॉस्ट में आएगा, कोई यूज़ नहीं है इस कार्ड का, मुझे सही नहीं लगा, सो बेकार है। हाँ अगर तुम्हारे टीममेट ऐसे हैं अलग घूमते हैं तो ये कार्ड थोड़ा यूज़ में आ सकता है, वरना बेकार है। ये वाला कार्ड, इस कार्ड ने पूरे गेम का बैलेंस ही बिगाड़ रखा था एक समय पर, अरीना पार्टी में हर दूसरा बंदा इसी कार्ड को लेके खेलता था और बहुत किल्स आता था, बोट से बोट बंदा तुम्हें मार सकता था, एक तो HP डबल हो जाती थी, ऊपर से इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट थी और डैमेज भी बहुत ज़्यादा था, तो ये मेरे लिए एकदम रिडिकुलस इरिटेटिंग कार्ड था ये मेरे लिए उस समय। सो इसे हम रखेंगे वॉस्ट पर। ये कार्ड शायद ही मैंने कभी यूज़ करा है, मुझे ढंग से याद भी नहीं है इसकी कौन सी स्किल है, शायद एक शील्ड बन जाती है मेरे हिसाब में वो स्किल है, यूज़लेस तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ठीक ठाक है बट यूज़लेस नहीं, वॉश भी नहीं लिख सकते ओके ओके नहीं, इसकी जो सेकंड स्किल है वो तो बेकार ही है ना, ट्रैवल करने के लिए तो गाड़ी मिल जाती है, सो ऐसे हम यूज़लेस भी रखेंगे। शेडो, ये कार्ड स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी सही लगा था बट अब इतना खास लगता नहीं है, सो मे बी इसको मैं रखना चाहूँगा ओके ओके में, ओके ओके में इसलिए क्योंकि ज़्यादा कुछ यूज़फुल है नहीं इसकी स्किल, अगर तुम 1v1 फाइट लेते हो तो ठीक है, वो भी नूब बंदे के साथ, क्योंकि जो प्रो प्लेयर होगा ना वो इसके क्लोन को आराम से पहचान लेगा। अब आती है इस कार्ड की बारी, देखो ये सबका फेवरेट कार्ड है, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है ये, सो इसको तो हम ऑब्वियसली गॉड पे रखेंगे और जो इसे यूज़ करता है उसे ही पता है क्यों इसे मैंने ऊपर रखा है। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है इस समय मैच में। एंड नाउ ये कार्ड, ये जाने वाला है हमारा सबसे टॉप पर, नहीं इसे हम वॉश पे लिखेंगे,
इस कार्ड ने भी पूरे गेम का बैलेंस बिगाड़ रखा है। मुझे घंटा पसंद नहीं है ये कार्ड, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है जो इसे यूज़ करता है। अब स्टार्टिंग में तो अच्छा था बट ये कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है, तो इसलिए इसे हम नीचे ही रखेंगे। अब आता है ये कार्ड। देखो ये कार्ड की जो स्किल है, अगर तुम स्नो प्रिंसेस वाले कार्ड से अपोनेंट में फ़ाइट ले रहे हो ना, स्नो प्रिंसेस वाला कोई अपोनेंट में है, ये कार्ड बहुत सही वर्क करेगा उस समय, क्योंकि इसकी स्किल वो जो स्नो फेंकता है ना, जिससे तुम्हारी पूरी स्क्रीन ब्लाइंड हो जाती है, सो वो नहीं होगा, तुम्हें अलग आराम से पता चल जाएगा कि बंदे की लोकेशन कहाँ है। बट फिर भी इसे ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं है, तो ओके ओके में लिखते हैं इसे। अब आता है ये कार्ड, इसका यूज़ ही क्या है मतलब पूरे मैच में? मैंने आज तक एक दो बंदों को ही देखा है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं ये कार्ड, तो यूज़लेस में ही आएगा। बस ये थोड़ा स्पेस घेरने के लिए आ गया है गेम के, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। और मैंने तीन कार्ड यूज़ मतलब ऐड नहीं करे हैं, जो कि काफ़ी पहले आए थे गेम के अंदर, जब एक कोलैब हुआ था, सो इतना मत तुम ध्यान देना। मैंने अभी उतने ही करे हैं जो अभी गेम में एग्जिस्ट करते हैं तब के। ये कार्ड, ये अरीना पार्टी में तो बहुत यूज़ होता है, और लोग इसे गेम प्ले के लिए यूज़ नहीं करते, ग्लिच यूज़ करने के लिए ज़्यादा करते थे पहले। बट हाँ ठीक है, मतलब नॉट गुड नॉट बैड वाला, तो इसे भी हम ओके ओके में रखेंगे। ये दोनों कार्ड एक साथ ही आए थे, ये वाला और ये वाला। अब ये कार्ड हम बाद में रैंक करेंगे, पहले इस वाले को पढ़ते हैं। ये कार्ड काफ़ी सही है अगर तुम मतलब रैंक पुशिंग कर रहे हो और हील बैटल कर रहे हो। मैंने अभी तेवेनसे की वीडियो देखी थी, सो उसमें वो हील बैटल करता है, तो ये वाला ही कार्ड यूज़ करता है। अच्छा है मतलब कार्ड, ये मुझे भी बहुत पसंद आया ये कार्ड। बट फाइट लेने के लिए मतलब 1v1 फाइट लेने के लिए ज़्यादा काम में आता नहीं है, बट हाँ पूरी स्क्वाड की HP भी इंक्रीज़ कर देता है ये कार्ड सबसे, इसलिए अच्छा है। सो इसे गुड पे रखेंगे, नॉट बैड गुड कार्ड है। वॉस्ट सच में इस मतलब अगर तुम इसमें कैनन बोल जो मतलब बेंटेन अगर तुमने देखा है, तो मतलब उसकी कॉपी है, इसकी फर्स्ट स्किल है जो किसी काम की नहीं है एक्चुअल में, बिल्कुल किसी काम की नहीं। अगर तुम वो बन गए ना बॉल, तो तुम पे मतलब एक्यूरेसी मतलब जो दूसरे बंदे की एक्यूरेसी होगी वो तुम पे ज़्यादा मतलब टिकेगी, तुम्हारे वो आजू बाजू में मारेगा ना, तो वो मतलब गोली लग जाती है इजीली, तो इसलिए मैं इसे रखूँगा यूज़लेस में, कभी यूज़ मत करना। अब आता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड। देखो मुझे कोई कार्ड पसंद नहीं है इस कार्ड के ऊपर, दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड। अब मैं बताता हूँ, इतना ओवर पावर्ड कार्ड है ना ये, अगर तुमने इसकी शील्ड यूज़ करके तुम किसी बंदे पे रश करते हो ना, बहुत ही मुश्किल होता है। एक तो 200 HP आ जाएगी उस, हमारे पास है ना शील्ड की 100 HP होती है, बजूका से भी इस ये प्रोटेक्ट करता है हमें कार्ड, एक पूरे बजूका का शॉट खा सकता है, मतलब इतना पावरफुल कार्ड है ये। इसकी फर्स्ट स्किल तो ऐसी है, लेकिन सेकेंड ओ माई गॉड, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए ना तुम्हें उसे हवा में ज़्यादा सही रहेगा। देखो तुम्हें क्या करना है, कैप्सूल यूज़ करना है, उसके बाद इसकी स्किल को यूज़ करके नीचे जाना है, वरना अगर तुम ऐसा करोगे ना कि मतलब नीचे स्किल यूज़ करिए, तो वो तुम पे एम लगा के रख सकते हैं। बट ये मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड, तो मैं इसे गॉड पे ही रखूँगा। सो मेरी रैंकिंग यही थी अभी कार्ड के लिए। बट हाँ मैंने थोड़ा मतलब अगर तुम्हारी रैंकिंग से थोड़ा अलग रहा है, मतलब जो कोई तुम्हें इनमें से पसंद है कार्ड और मैंने नीचे रख दिया है, सो मुझे माफ़ कर देना, मैं उसे मतलब ऊपर तो नहीं रख सकता। बट हाँ मैं कोशिश करूँगा अगली बार जब मैं गन की रैंकिंग करूँगा ना, तो मैं लोगों से पूछ लूँगा कि मतलब कौन सी गन अच्छी है। ये तो मेरी फर्स्ट वीडियो है इस टाइप की।